तो आगे आ जाओ आगे जाओ भाई आगे भाई अब हटवा नहीं यार अब वो पीछे कर दे यार छोड़ दे यार उठा है कौन है किधर है वेटरनरी यूनिवर्सिटी है उमर जानते नहीं है रवि ये सर ग्रेटर चोलिस्तान का सही किया सर आगे चलो थोड़े सांस के लाइन इधर से लेकिन मैं जस्ट कम हियर टू एनकरेज देम कि मेरे आने से अगर ये एनकरेज होते हैं तो ये तो इससे बड़ी और क्या बात है इट वाज टू मच आप लोगों के लिए आए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए सलामत रहो फाइन मुबारक हो मुबारक अल्लाह रहमान रहीम देखिए ये जो क्लीन एंड ग्रीन है ना आज हम इसको ग्रीन करने के लिए चोलिस्तान को ग्रीन करने के लिए आज हमने एक अटेम्प्ट की है और उसके अंदर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट MDCD है हमारे वाइस चांसलर वेटनरी यूनिवर्सिटी वकार साहब और ये जो NGOs ये जो काम कर रही हैं इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। टोटल हमने 35,000 पौधा लगाने हैं। जैसा आपको पता है कि 5 हमारे जो लाइफ स्टॉक फॉर्म्स थे वो अबंडन हो गए ड्यू टू सर्टन रीजंस, लेकिन वहाँ पर पानी मौजूद है, वहाँ पर लॉग मौजूद है और वहाँ पर फेंस मौजूद है। ये जो ये चीज़ें हैं ये इनक्रेज करती हैं कि वहाँ पर पौधा लगाया जाए, क्योंकि पौधों की मोर्टेलिटी ऐसी जगहों पे जहाँ पर फेंस हो, लोग मौजूद हों, पानी मौजूद हो, कम से कम होती है। हमने जो अभी इंडिजिनस जो स्पीशीज़ हैं उनके साथ साथ हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि फलदार पौधे जैसे जामुन और बेरी और कोई और ऐसा पौधा जिसको कि हमारे परिंदे खाएँ, चूँकि यहाँ चोलिस्तान के अंदर जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे एहसास होता है ज़ाती तौर पर कि जानवर पल रहे हैं, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि 1.3 मिलियन जो जानवर है जो काओ है उसको ये केटर कर रहा है, ये फॉर्म उनकी वैक्सीनेशन कर रहा है, उनकी डिवॉर्मिंग कर रहा है, उसकी प्रिजर्वेशन ऑफ ब्रीड के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये जो इन लोगों का जंगल में आके बैठना है ना लाइफ स्टॉक का, ये एक बेनिफिशियल चीज़ है लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए एक अच्छी चीज़। अब ये देखें कि हम ये मजाक ही मजाक में ऐसे ही शुरू हुआ कि मैं एक जगह पर गया, मुझे मेजर साहब ने पुश किया, मैंने मेजर साहब को पुश किया, हम मजाक ही मजाक में 35,000 पौधा लगा देंगे। मैं कहता हूँ उसमें से 5,000 मर जाएगा, 30,000 बच जाएगा। आने वाले दिनों में अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर आपको पौधे, ये देखें ना ये जो पौधे आपको हरियाली नज़र आ रही है ये पहले नहीं थी, आखिर ये किसी ने लगाया ना। मैं यहाँ नहीं होंगे, मेजर साहब किसी और जगह पे होंगे, MDCD यहाँ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पौधे होंगे जो फल दे रहे होंगे, परिंदों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, हरियाली होगी। और ये याद रखिए इस रीजन की जो है ना इकोलॉजी बदल जानी है। जब आपने बहुत सारे दरख्त लगा लिए ना यहाँ पर बारिशों का पैटर्न बदल जाना है, यहाँ बारिशें बढ़ जानी है। तो मैं समझता हूँ कि इस जगह के ऊपर चोलिस्तान के अंदर और भावलपुर डिवीज़न में एज सच ऑल अलॉन्ग जो हमारा चोलिस्तान डेजर्ट है उसके साथ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, जो तनावर दरख्त बने। और उसके बाद मालिक ने जो रब है, जो पालनहार है, जिसने अपने पौधों के लिए पानी ऊपर से भेजना ही भेजना है, इंशाल्लाह
हमारी वो चेंज होगी, सारी इकोलॉजिकल चेंज आएगी और हमारा हवा वैसे ही आपकी बहुत प्योर है। यहाँ पर आपकी आपकी इंडस्ट्री ना होने की वजह, आप बात कहते हैं जी इंडस्ट्री नहीं है जी हमारी, हवा आपकी हवा लाहौर की हवा से 20 गुना अच्छी है और वो और बेहतर हो जाएगी। तो यही मैं कहता हूँ कि आप लोग सारे इंटरेस्ट लें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, आप मुझे ध्यान दिलाइए, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान ग्रीन होगा और पाकिस्तान दुनिया के ग्रीन तरीन मुल्कों में होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत खुशी है आज यहाँ पे आके नूर सर बलोचा, जहाँ ये लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने ट्री प्लांटेशन जो ड्राइव है वो शुरू की है, और बहुत खुशी है कि ये इस साल 35,000 प्लांट प्लान कर रहे हैं। यही एफर्ट हमने पिछले हफ्ते अपनी जो चोलिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए शुरू की थी, और ये सारे अगर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं वो मिलके अगर कोशिश करें तो हम अपने माहौल को भी बेहतर बना सकते हैं और इस हवा को जिसमें हमने सांस लेना है वो भी बहुत बेहतर क्लीन हो सकती है। और हमें फ़ायदा ये है कि हमारे पास चूँकि यूथ है तो हम टैग भी कर सकते हैं प्लांट्स को और उनको असाइन कर सकते हैं, ताकि जब बच्चे या बच्चियां हमारी ग्रेजुएट करें तो साथ ही वो हमें जो प्लांट्स हैं वेल डिवेल्प्ड वो हैंड ओवर करके जाएँ, ताकि नेक्स्ट आने वालों के लिए हम वो उनको कंटिन्यू करा सकें या नए प्लांट्स उनको दे सकें। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट है, मैं खुश हूँ कि आज इस तकरीब में हिस्सा बना। बहुत सारी दुनिया इसमें असल में कोशिश कर रही है, और मैंने वो हालात देखे हैं जहाँ पे शहरी लोग ऐसी जगहों पे जाके तो हवा के वो बड़े बड़े गुब्बारे लेके जाते हैं और वहाँ से ताज़ा हवा भर के वापस अपने शहरों में लेके जाते हैं। तो कितना ही अच्छा हो कि यहाँ बड़े बड़े शहरों के लोग आएँ और यहाँ पर वो हवा भर के, और वो पॉसिबल इसी सूरत में है कि हम इस माहौल को अगर क्लीन कर सकें और उसमें ये क्लीन एंड ग्रीन की जो एफर्ट है गवर्नमेंट की, इस एक्सीलेंट इनिशिएटिव है, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमने 2017-18 से हमने यहाँ पे प्लांटेशन शुरू की थी, और ये हमारे इस तरह के 5 एनक्लोजर्स हैं चोलिस्तान के अंदर, और इसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जो चोलिस्तान का है डायरेक्ट्रेट, उसका सारा स्टाफ जब अपनी वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग और इन चीज़ों में हमें थोड़ा सा भी गैप मिलता है, और जब भी हमारे पास ये मौसम में बाहर आता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। हमने पहले साल में को 55,000 के करीब पौधे लगाए, और जहाँ पे वो जो पौधे हैं आपके पीछे और आप सामने देख रहे हैं सारे अब दरख्त बन चुके हैं, और इसकी वजह ये है कि यहाँ हमारे लड़कों ने बड़ी मेहनत की है, उसको रेगुलर पानी देते रहे हैं, और आप ये देखें कि ये बग़ैर किसी ज़्यादा अखराजात के ये सारा काम हुआ है, और इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो आप देखेंगे कि अगले सालों में इंशाल्लाह तमाम एनक्लोजर हमारे इन दरख्तों और पौधों से भरे हुए होंगे, यहाँ पे परिंदे होंगे, यहाँ पे सारा इकोसिस्टम बहाल होगा, बारिशें ज़्यादा होंगी और पूरा जो मौसम है यहाँ का तब्दील हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है कि इन्हीं पौधों के, क्योंकि ये सारे के सारे फॉडर प्लांट्स हैं, इनके बीज लोगों को दिए जाएँ, और वो कम्यूनिटी भी अपने टोबों के करीब लगाए ताकि उनके जानवरों के लिए ये चारा भी मैसर आए और साया भी मैसर आए। साया और चारे से ये है कि जो बीमारियां जानवरों में हैं उनमें भी कमी आती है, उनको ताज़ा हवा और हर वक्त चारा, और पता है आपको कि जो जितना न्यूट्रिशन जानवर को कम मिलेगी उतना बीमारी का हमला ज़्यादा होता है। जहां हमारा सारा ये डिपार्टमेंट वैक्सीनेशन के तमाम मराहल से गुजर के जब भी फारिग होता है तो हम यहाँ पर प्लांटेशन शुरू कर देते हैं, यहाँ क्योंकि चोलिस्तान में जानवरों का ज़्यादा मसला ही खुराक और पानी का है, और ये इंशाल्लाह जब भी कभी खुदा ना खास्ता ड्राफ्ट आता था हमारे लिए इतना है कि ये इंशाल्लाह हमारे पास फॉडर और पानी होगा कि लोग आराम से अपने दूध वाले जानवर यहाँ पर रख सकते हैं।